डॉक्टर अमजद अली अंसारी साहब, आप ये बताइए कि आप बरसों से MLC को लेकर तहरीक चलाते रहे हैं, इस तहरीक में आपको अभी तक कहाँ कामयाबी मिली है, इस बारे में बताइए। देखिए जावेद भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, UPA 2 के गवर्नमेंट में उन्होंने कैबिनेट से फैसला लिया कि हिंदुस्तान के जितने असेंबली हैं उसको बाई कैमरल किया जाए, यानी विधान परिषद और विधानसभा। बंगाल में विधान परिषद था, 1969 को बंद कर दिया गया, जिस कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कहा गया कि ये एक्सपेंसिव है, फजूल खर्ची है। लेकिन अब वक्त की जरूरत है कि MLC पूरे हिंदुस्तान के असेंबली में होनी चाहिए। अब तक 8 स्टेट में है, इसके बाद 3 स्टेट ओडिशा, हरियाणा और आसाम ने बिल पास करके मरकज को भेजा है। हमने बंगाल कांग्रेस को, CPM को, तृणमूल को, ममता बनर्जी को और लेफ्ट के लोगों को भी मैसेज किया है, बात किया है, इस पे मुत्तफिक का फैसला हो रहा है कि हाँ इसकी बात होनी चाहिए और असेंबली में बात उठनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर मिल्टन रसीद, जो माइनॉरिटी डिपार्ट के चेयरमैन भी हैं और MLA भी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कमिंग सेशन में इस क्वेश्चन को असेंबली में ममता बनर्जी के सामने उठाऊंगा और पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द पास किया जाए। चूंकि ममता बनर्जी 2011 में आई थी तो पहली बिल जो है वो सिंगुड़ का, दूसरा MLC के लिए, आप नेट खोल के देखेंगे कि MLC चालू करेंगे। लेकिन MLC चालू इसलिए नहीं किया जाता है कि इसमें SC ST और माइनॉरिटी को फायदा होगा ज़्यादातर, यानी मुसलमानों को फायदा होगा या अकलियतों को फायदा होगा, इसको रोका गया है। मेरा मानना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के असेंबली को बाई कैमरल किया जाना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि ये फजूल खर्ची है तो अवलीन फुर्सत में राज्यसभा को बंद करना चाहिए। राज्यसभा का छोटा भाई MLC है, अगर राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को और दिगर लोगों को निकाल के बाहर कीजिए तब होगा, नहीं तो MLC चालू करना ही होगा। 80 सीट नियर अबाउट 50 साल से बंद है, ये 3 तिलाक, 13 तिलाक, NRC और मॉब लिंचिंग का जो मामला हिंदुस्तान में, हम जानते हैं कि MLC अगर चालू हो जाता है पूरे असेंबली में तो डॉन टॉलन पीपल को बेनिफिट होगा, जमहूरियत को बेहतर होगा। और दूसरा मामला ये है कि जितने स्कूल हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसमें कॉमर्स चालू किया जाए। गरीब के बच्चे जब तक कॉमर्स नहीं पढ़ेंगे, बैंकिंग नहीं जानेंगे, माफियात नहीं जानेंगे, तजारत नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम ये कोशिश जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक बंगाल में MLC चालू ना हो जाए। थैंक यू।